अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है 5 बजे से, क्योंकि अभी तक मैंने खाना वाना कुछ भी नहीं बनाया, भूख भी लग रही है। अब मैं नीचे जाऊंगी, खाना बनाऊंगी, फिर खाना खाऊंगी, आप लोगों से वीडियो शेयर करती रहूंगी और थोड़ी थोड़ी देर में मिलती रहूंगी, क्योंकि आज दोबारा से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नज़ला हो रहा है। नज़ले की वजह से इस आँख में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो आंसू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। लेकिन आप लोगों के लिए, वीडियो के लिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और दोस्तों में, अजीज़ों में शेयर भी किया करें, ताकि और सब्सक्राइबर बढ़ते जाएं। और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैंने खाना वाना खा लिया है, खाना बना भी लिया है, अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि अभी जब फ्री हो ही गई हूँ तो थोड़े से कपड़े हैं उनको तय कर लेते हैं, क्योंकि धुल चुके थे, मैंने उठा लिए हैं कपड़े। तो अब देखते हैं, हिम्मत बनाते हैं, फिर कपड़े वगैरह तय कर लेंगे, अलमारियों में रख देंगे, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। और अगर कपड़े तय ना भी किए, फिर भी आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। क्या पता कपड़े तय कर लें, क्या पता आराम कर लें, क्या पता काम कर लें। वैसे काम वाली तो आ जाएगी कल, क्योंकि आज इतवार है, तो आज वो नहीं आई, तो वो सारी सफाई भी कर लेती है, यहाँ के लिए भी रख दी है, ऊपर छत के लिए भी रख दी है, सीढ़ियाँ भी साफ़ कर लेती है, सब वही साफ़ कर लेती है। अब तो इस चीज़ से छुट्टी मिल गई है मुझे, और अब फिर भी जो काम जैसे हम कर सकते हैं वैसे वो नहीं कर सकते, तो अपने हाथों की बात अलग होती है और बाकियों की बात अलग होती है। तो हर इंसान को अपने ऊपर भरोसा होता है। मैं जो है किचन की सफाई कर रही थी, और मेरा किचन जो है बिल्कुल साफ़ ही रहता है हमेशा, क्योंकि साफ़ करने से ही साफ़ होती हैं चीज़ें। तो मेरे चूल्हे वूल्हे यूज़ भी होते हैं, लेकिन साफ़ सुथरे ही रहते हैं। लोगों की समझ में नहीं आती मुझे कि कहते चूल्हे साफ़ नहीं होते हैं, चूल्हे साफ़ नहीं होते, ये जंग हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। तो आप साफ़ करेंगे तो क्यों नहीं होंगी चीज़ें साफ़, ज़रूर होंगी। तो आप इस तरह का एक कपड़ा रख दें साफ़ करने के लिए अलग, क्योंकि मेरा तो साफ़ करने का कपड़ा अलग है, ये है साफ़ करने का कपड़ा, थोड़ा सा फट गया है, लेकिन मैं फिर भी इसी से साफ़ करती हूँ, फिर चेंज करूँगी इंशाल्लाह ताला। और जो है बर्तन वर्तन पकड़ने का कपड़ा, ये है, तो इसे तो मैंने 3-4 दिन पहले धोया था, अब दोबारा से जब धोऊँगी 1-2 दिनों में, क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ पर कुकिंग नहीं करती, बस कुछ दिन पहले यहाँ पर कुकिंग की थी, दाल बनाई थी, तो दाल का पानी भी गिर गया था नीचे, यहाँ पर मेरी उंगली नहीं जा रही, लेकिन ये भी साफ़ कर लेती, लेकिन ये हुआ नहीं मुझसे, क्योंकि यहाँ पर मेरा हाथ ही नहीं जा रहा था। तो बाकी तो माशाल्लाह से साफ़ सुथरा ही रहता है किचन हमेशा। इंशाल्लाह ताला इन बर्तनों की है ना सेटिंग करनी है मुझे, कि ये कैबिनेट में बर्तन किस तरीके से सेट करने हैं। यहाँ पर जो है ना ऊपर मैं रखूँगी मसाले वगैरह के जार, और यहाँ पर जो है ये बर्तन वगैरह सेट करूँगी। अभी तो यूज़ नहीं हो रहे तो इस तरह से मैंने रख दिए हैं, लेकिन इनको सेटिंग से रखूँगी मैं। और यहाँ पर भी कोई चमचे शमशे रखूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं हो रहे तो ऐसे ही रखती है, कुछ भी सेटिंग नहीं की है मैंने, कोई सेटिंग नहीं की। बाकी यहाँ पर जो सामान के जो बॉक्सेस रखे हुए हैं, ये वहीं रखे हुए हैं, ये फेंकने का भी बोल रही हूँ, फेंक दूँगी इंशाल्लाह ताला, जब अब टाइम मिलेगा तो फिर ये भी करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी जो है ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तो इसे भी लगाना है इंशाल्लाह ताला। फिर आप लोगों को इस तरीके से मैं व्लॉग बनाकर फिर दिखाऊंगी, इसमें से ही व्लॉग बनाऊंगी, ऐसे शीशा लगा हुआ है ना इस पर, लेकिन अभी सही से नज़र नहीं आ रहा,
इसमें भी बहुत मिट्टी लग गई है, अभी इसे भी साफ सुथरा करना है। तो ये सारी सेटिंग करनी है इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं रखा सिवाय टिफिन के और एक ये जो ग्लास है इसके, क्योंकि कोई सेटिंग नहीं हुई भी अब तक, यूज़ नहीं होती मेरी चीज़ें तो फिर सेटिंग भी नहीं। बाकी जो डिवाइडर में जो सामान है वो तो सेट है, सारी सेटिंग कर ली है। यहाँ पे मैंने कुछ प्लेट्स वगैरह और सेट किए हैं, यहाँ पर मेरा हाथ बहुत मुश्किल से जाता है। तो बाकी जो ये है चमचे शमचे यहाँ पे नीचे रखने हैं, लेकिन अब यूज़ नहीं होती तो फिर इसलिए मैंने सारी चीज़ें ऐसे ही रख दी हैं। जब यूज़ होगी इंशाल्लाह ताला फिर सब चीज़ों की सेटिंग करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं रखा सिवाय थर्मोस के, बस खाली खोली चीज़ें रखी हुई है मैंने। ये जो है ना विम, ये मैं वहाँ से लेकर आई थी $1 शॉप से, तो 160 का मुझे पड़ा था ये $1 से। और ये जो पापड़ पापड़ भी लेकर आई थी मैं, तो ये मुझे पड़ा था 80 रुपीज़ का, ये भी $1 शॉप से लेकर आई थी मैं, तो बनाए नहीं अब तक, बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, सब चीज़ों की सेटिंग करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह ताला। बाकी जो ये सारे कपड़े हैं तय करने हैं मुझे, धोए थे जो, और अब सिर्फ तय करने हैं बस। फिर सोचती हूँ रात में बैठूँगी इंशाल्लाह ताला, या फिर कल दोपहर में तय करूँगी, क्योंकि आज तो मैं बहुत लेट हो गई, मगरिब का टाइम हो गया, मैं आई तो मगरिब की अजाने हो रही थी, तो अब तो हिम्मत नहीं है। फिर किचन की सफाई वगैरह कर ली, अब इंशाल्लाह ताला कल दोपहर में इसे करती हूँ। तो अब जो मैं ऊपर आ गई हूँ और खाना वाना खा लिया है, और बस अब लाइटें शाइटें बंद करेंगे और सोने की तैयारी करेंगे, बस दवाई खाऊंगी और फिर सो जाएंगे। तो बस अब दवाई खाऊंगी फिर आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दवाई खा ली है मैंने और अभी सोने का टाइम है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।